आप लोगों को ऐसी मूवीज पसंद हैं जिनमें कोई ढोल ना सिर्फ बोलना चलना शुरू कर दे बल्कि इसमें गैर मामूली शक्तियां भी आ जाए, वो जिसमें इन खसूसियत के साथ साथ इमोशंस भी पाए जाए, जो ना सिर्फ मोहब्बत केयर करना जानती हो बल्कि वो उदास भी होती हो और गुस्सा भी आता हो, जैसे कि चाकी एनाबेल डॉल पर मबनी फिल्म्स होती थी। बिल्कुल इसी तरह की एक फिल्म मैगिन है, जो ना सिर्फ आपके रोंगटे खड़े करेगी बल्कि हर 5 मिनट बाद आपको ठंडे पसीने भी आएंगे। इससे पहले कि इस फिल्म की डायरेक्शन स्टोरी कास्ट पर अपना रिव्यू दूं, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेगिन एक साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है जिसको डायरेक्ट किया है जिरार्ड जॉन अस्टोन ने और राइटर हैं अकेला को। इस फिल्म में मेगन का किरदार अदा कर रही हैं एमी डोलन, बच्ची की टेक केयर कर रही हैं एल्सन वैलियम और बच्ची के किरदार में नजर आएंगी वायलेट मैकगिरा। ट्रेलर पर अपना रिव्यू देने से पहले अगर इस फिल्म की कहानी की बात करूं तो इस फिल्म की कहानी एक ऐसी बच्ची कैटी के गिर्द घूमेगी जिसके वालदैन एक कार एक्सीडेंट में मर जाएंगे, जिसके बाद कैटी की परवरिश इसकी करीबी रिश्तेदार जेमा करेगी। जेमा को एक साइंटिस्ट के तौर पर दिखाया गया है जो कैटी के वालदैन के मरने के बाद कैटी के हर वक्त उदास रहने से परेशान है और फिर वो एक दिन इसको अपनी ईजाद करता एक ऐसी रोबोट डॉल लाकर देगी जो ना सिर्फ बोलती है बल्कि वो हर तरह के इमोशंस भी रखती है। जेमा इस रोबोट को कमांड देगी कि वो ना सिर्फ कैटी को इंटरटेन करे बल्कि इसकी हर तरह से हिफाजत भी करे। कैटी को इस रिपोर्ट मेगन के साथ बहुत खुश दिखाया गया। मेगन भी कैटी के साथ इस कदर अटैच हो जाता है कि वो बाद में जेमा की कमांड पर भी अमल नहीं करता बल्कि मुख्तलिफ औकात में रोक टोक से गुस्से का इजहार करता है। इस फिल्म की कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आएगा जब कैटी का एक बच्चे के साथ झगड़ा होगा, मेगन उसको कहेगा कि तुम यहाँ से दौड़ जाओ, जिसके बाद वो उसको कत्ल कर देगी। मजीद कहानी में क्या कुछ होता है और कहानी किस किस तरह की टर्न लेगी, इसके लिए आपको 13 जनवरी 2023 तक का इंतजार करना होगा। यह अंग्रेजी जुबान की अमेरिकन साइंस फिक्शन हॉरर मूवी 23 जनवरी 2023 को रिलीज होने जा रही है। मैंने ट्रेलर देखा जो एक बेहतरीन विजुअल्स और फ्रेम पर काटा गया है, जिस तरह से हॉरर इमोशनल शॉट्स दिखाए गए, जिस तरह से हॉरर सीन्स पर म्यूजिक इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया वो कमाल है। जहाँ इस फिल्म की स्टोरी और विजुअल्स आप पर एक खौफदारी करेंगे, वहीं पर बैकग्राउंड म्यूजिक भी आपकी सांसें धीमी करेगा। फिल्म के मुताबिक एक अच्छी कलर ग्रेडिंग की गई है, बिलखुसूस जो वार्म टोन दी गई वो विजुअल्स पर 4 चांद लगा रही है। अगर आपको साइंस फिक्शन हॉरर मूवीज पसंद है जिसमे हर लम्हे कोई ना कोई अनहोनी का एहसास लगा रहे और बेचैनी के साथ एक खौफ सताए, ये फिल्म आपके लिए एक अच्छी एंटरटेनमेंट साबित हो सकती है। अगर आपको एक्शन ड्रामा रोमांस थ्रिल और एडवेंचर से भरपूर फिल्म पसंद है तो ये फिल्म आपके लिए नहीं है। मुझे ट्रेलर से एक बेहतरीन और कामयाब फिल्म लग रही है। आप लोगों का मेरा रिव्यू और इस फिल्म के बारे में क्या ख्याल है कमेंट में जरूर बताएं।